अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। लीवर का डैमेज होना, ग्रेड 1 फैटी लीवर या ग्रेड 2 फैटी लीवर या सिरोसिस, इन सब में आप इम्पॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन, आपकी डाइट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको फैटी लीवर है या आपको फैटी लीवर से प्रिकॉशन लेना है, सिरोसिस के स्टेज पे नहीं जाना है, तो आपको अपने डाइट में क्या ऐड करना है और क्या आपको अवॉइड करना है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स जिसे आप देखकर समझ सकते हैं कि आपको लीवर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है या आपको फैटी लीवर हो रहा है। माई सेल्फ डॉक्टर अजरा एहतिशाम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लीवर का काम क्या है? जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, वो उसे ब्रेक डाउन करता है और फिर वो किडनी में भेजता है और फिर किडनी आपकी फ्लश आउट करती है। इसलिए लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर आपको फैटी लीवर होता है, अगर लीवर में 5-10% आपका फैट जमा हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं फैटी लीवर है आपका। ग्रेड 1, ग्रेड 2 सिरोसिस, ऐसे स्टेजेस उसके डिफरेंटली प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमें ये जानना जरूरी है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फैटी लीवर हो गया है? उसके 3 मेजर सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस आते हैं। विदाउट एनी रीजन आपको कॉन्स्टिपेशन होना, एब्डोमिन पेन होना, पेट में दर्द होना, डिस्कम्फर्ट, या बार बार आपको लूज मोशन हो सकता है, उल्टी जैसा लगना, नौशिया, वॉमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में लॉन्ग टाइम तक हो रही है, तो आपको ध्यान देना चाहिए, हो सकता है कि आपको फैटी लीवर हो। नेक्स्ट, आपको पेन होगा, वो लीवर जिस साइड होगा वहाँ पे आपको ज्यादा पेन होगा, टच करने में आपको टेंडरनेस लगेगी, सूजन आपको पता चलेगा। चेंजेस आप देख सकते हैं आपके स्किन में, बिलिरुबिन का इंक्रीज होने से आपको येल्लोनेस दिखेगी, आपके स्किन पे दिखेगा, आंखों में पीलापन दिखेगा, इससे आप समझ सकते हैं कि लीवर आपका डैमेज हो रहा है। थर्ड चीज है आपके लेग्स में स्पाइडर एंजियोमा करके एक बीमारी होती है, जिसमें ब्लू कलर की नस स्पाइडर के जाल जैसा आपको दिखने लगता है, थाइज में या आपके काफ में, तो आप समझ सकते हैं कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। ये 3 मेजर सिम्टम्स हैं जो आपको नजर आ सकते हैं फैटी लीवर के। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे फूड्स जो आपको आपके डाइट में ऐड करना है अगर आपको फैटी लीवर से बचना है, उसके प्रिकॉशन के लिए, और अगर आपको फैटी लीवर हो गया है तो उसे रिवर्स करने के लिए आप इन सारे फूड्स को अपने डाइट में जरूर ऐड करें। चीज जो आपको अपने डाइट में ऐड करना है वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आपको हेल्प करता है वेट लॉस के लिए, फैट एक्यूमुलेशन कम करने में वो आपकी हेल्प करता है, जमा नहीं होने देता है, इससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है और जो आपका लीवर डैमेज है उससे आपको राहत मिलेगी या वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। एप्पल साइडर विनेगर आप 1 चम्मच ले लें पानी में मिक्स करके, दिन में 2 बार आपको लेना है। इसे 1 महीने तक आप कंटिन्यू करें, फिर आप उसे रोक सकते हैं, अगेन यू कैन कंटिन्यू आफ्टर 1 मंथ। आप इससे रिपोर्ट कराएं 1 महीने के बाद, बहुत अच्छा फर्क आपको दिखाई देगा इन फैटी लीवर। नेक्स्ट चीज जो आपको ऐड करना है वो है लेमन, नींबू। आप उसको पानी में मिक्स करके रोज मॉर्निंग में ले लें और रात में सोने से पहले अगर हो सके तो लुकवॉर्म वाटर में ऐड करके लें, उससे भी आपका फैट एक्युमुलेशन कम होगा। आप सब जानते हैं लेमन विद वाटर, लुकवॉर्म वाटर वेट कम करने के लिए काफी सारे लोग यूज करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप उसे उसमें हनी ऐड कर लें, वो भी आपके फैट को एक्यूमुलेट होने में कम डिक्रीज करता है, एक्यूमुलेशन में डिक्रीज करता है और आपके वजन को कम करता है, इससे आपके फैटी लीवर में भी आराम होता है। नेक्स्ट चीज जो आपको ऐड करनी है वो है हल्दी। हल्दी हम जानते हैं एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी आपकी बॉडी के वेट को कम करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है। हल्दी आप चाहें तो पानी में मिक्स करके ले सकते हैं और इफ पॉसिबल आप दूध में लें, वो भी चलेगा। इसे आप 2-3 महीना कंटिन्यू रखें, रोज रात में सोने से पहले 1 चम्मच हल्दी का आप गर्म दूध में मिक्स कर लें, अगर नहीं तो आप उसे पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको लेनी है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी हम नॉर्मली भी यूज करते हैं रेगुलरली टू डिक्रीज वेट, अपना वेट कम करने के लिए। ग्रीन टी एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है, इसे हो सके तो आप दिन में 2-3 बार लें, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इससे आपका वेट लॉस होगा,
फैट एक्यूमुलेशन कम होगा और आपके लीवर में जो इन्फ्लेमेशन है उससे भी वो कम करने में हेल्प करेगा। जो आपको अपने डाइट में ऐड करना है वो है पपाया। रोज मॉर्निंग में उठने के बाद आप ग्रीन टी लें, उसके बाद कोशिश करें कि एक बाउल पपाया का खाएं। पपाया में बहुत अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो और आपके वेट लॉस को वो प्रमोट करता है या बढ़ाता है, इसीलिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वो हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करता है। इससे आपका वेट लॉस होता है और आपका फैट एक्यूमुलेशन कम होता है और आप हेल्दी रहते हैं, इसीलिए पपाया ऐड करें। नेक्स्ट चीज जो आपको ऐड करना है वो है बीटरूट का जूस। उसको बहुत अच्छा सोर्स है नाइट्रेट और एंटीऑक्सीडेंट का, इसीलिए आपको उसको रोज मॉर्निंग में लें या अगर नहीं पॉसिबल है आप आफ्टरनून या नाइट में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रोज एक गिलास कंटिन्यू रखें। इससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी इंक्रीज होता है और आपका लीवर भी हेल्दी। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज क्रूसीफेरस वेजिटेबल। उसमें ब्रोकली आता है, कॉलीफ्लावर, ये सारी चीजें आपको ऐड करना है। आप सैलेड के फॉर्म में ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप सब्जी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये आपके बॉडी में बहुत सारा नाइट्रेट सप्लाई करेगा, उसके वजह से आपके फैट डिक्रीज होने में हेल्प करता है और आपका लीवर हेल्दी होता है। इसलिए कोई भी तरीके का क्रूसीफेरस वेजिटेबल आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें के साथ अगर आपको कोई मेडिसिन की हेल्प चाहिए तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। एक बेस्ट मेडिसिन है फॉर फैटी लिवर वो है पैलिडोनियम का मदर टिंचर, आपको लेना है। रोज सुबह और शाम एक कप गर्म पानी में 10 बूंद उसके डालें और कंटिन्यू रखें फॉर 1 मंथ। उसके बाद आप रिपोर्ट रिपीट कराएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाले सारे हेल्थ टिप्स से आप अपडेटेड रहें। हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, एज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। थैंक यू।